साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पून मित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियो रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंप्रोबेटम एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपिटिशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was an do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handle all the award there and gooden and this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lone some and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it scary and then of the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big फर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द
कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मोम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोक डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द इस्माइल कल्चर बिलीफ ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी साइड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मेनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I was this movie is at noon my heart best so best is Nightmare It is great movie. I have every watchable this really disappointment and good great movie. It gives all the audience of the scene Southeast Asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed in short is the Thailand version of the Exorcist but the bit I expected much more from the movie the first 30 minutes very fine we learn other people believe kind of documentary the next 30 minutes very boring the respect especially the ending turning about and camera work cameraman always said this movie had be confused because of the good sincere depression of different vibe and Thailand the horror movie I knew watchable this good 2.5 hour is the good thing about if you are fan of found footage movie like grave encounters of Gojiam Hunted Aslam of type of the good great documentary atmosphere a solid storyline be available acting but and the normal in the horror suspense generation nearing the resolution this is very good movie
द कैमरामैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैमरामनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंग दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग एपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 minutes एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव इट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फीलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माय हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिक फॉर दिस मूवी। साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिस अंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेज ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंप्रोबेटम एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपिटिशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was an do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handle all the award there and good in And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it scry and then op the add to blood for those who and good appreciate to blood and guest of the good I don't
रिकमेंडेड टू वॉच अलोंग दिस गुड राइट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी कैमरा एंजल एंड सम स्टोरी आर नॉट मच मैक सीन्स ऑफ अंडरस्टेबल बट दैट डिड नॉट ग्रेड वेल एंड गुड थिंक स्टोरी ऑफ दिस मूवी नॉट एंड एवरी थिंक अबाउट सो दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिक ए नेशनल हॉरर मूवी इज जस्ट ए बिग बफर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरी थिंग प्रो ट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमेंडेड इट ड्यूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द कर्मा ऑफ द योर एनसू ऑफ अवेस दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव्यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मोम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोके डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इज इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द इस्माइल कल्चर बिलीफ ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डिसाइड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन 2 टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मेनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीप It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I watch this movie is at noon my heart best so best is Nightmare it is great movie I have every watchable this really disappointment and good great movie it gives all the audience of the scene south east asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed in short is the thailand version of the exorcist but the bit I expected much
फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 मिनट्स वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 मिनट्स वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एंड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 आवर इज द गुड थिंक अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी द कैमरा मैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैरमनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंक दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग एपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 मिनट्स एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलियर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव great horror movie there of the very disappointment very worst movie I watchable this movie is zombie like feeling in the ending part of the good thing about very the wearing of I have my hobby to watch and ghost this end movie and this of relative for this movie साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पून मित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेज ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी एवरी टू बी मैड आई एम ए मैसेज फैन ऑफ हॉरर जनरेशन एंड हैव वॉच एवरी हॉरर मूवी फ्रॉम साउथ कोरियन स्पेनिश एंड हॉलीवुड ऑफ टू जापान होम ऑफ द एक्सीलेंट हॉरर मूवी आई रिकमांडेड एयर ऑटो स्पाई वो जैन डो एंड गुड थिंक अबाउट अनदर लेवल द लीड एक्टर हु प्ले दिस पोजीशन एंड स्प्रिट शुड हैव वन ऑस्कर फॉर द एक्टिंग परफॉर्मेंस बट ऑल द एक्टर इन दिस मूवी आर अमेजिंग इफ ए साउथ कोरियन मूवी लाइक पैरासाइट कैन
विन ऑस्कर दैन दिस मूवी नीड्स टू बी हैंडल ऑल द अवार्ड देयर एंड गुड एंड दिस रेज इन माई ओपिनियन ओवरऑल ऑफ द मूवी इज़ गुड एंड द मैन करैक्टर वेरी वेल वेल शो स्पेशली मिंग करैक्टर दैट मेक मी रियली एथेम्पटिक ऑफ द एक्रॉस ऑफ द करैक्टर इज एडिशन द कैमरा एंजल लाइट एंड कलर एंड मूड ऑफ द पिक्चर आर वेरी वेल डन द लाइटिंग ऑफ कलर्स क्रिएट ए वेरी एटोस्फियर स्पेशली डिजास्टर फॉरेस्ट फिल्म एंड एडो ऑफ द फैक्ट्री सीन्स दैट आई एम फेल्ट रियली लोन सम एंड स्क्राई बट देर इज टू मच ब्लडी सीन्स लाइक इट आउट ऑफ आइडिया टू मैक इट स्क्राई एंड दैन ऑफ द एड टू ब्लड फॉर ड्यूज हु एंड गुड आफ्री टू ब्लड एंड गेस्ट ऑफ द गुड आई डोंट रिकमांडेड टू वॉच अलोंग दिस गुड राइट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी कैमरा एंजल एंड सम स्टोरी आर नॉट मच मैक सीन्स ऑफ अंडरस्टेबल बट दैट डिड नॉट ग्रेड वेल एंड गुड थिंक स्टोरी ऑफ दिस मूवी नॉट एंड एवरी थिंक अबाउट सो दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिक ए नेशनल हॉरर मूवी इज जस्ट ए बिग बफर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रो ट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट ड्यूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड करमा स्पेशली द कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good thing the most horror mocked documentary even is the story this and this good thing about very fantastic I have every scene and good thing about must and good thing about wearing generation movie the scenes more realistic and good thing about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismailal culture belief of my heritage I was under the impression and the real life documentary been watching horror film of this side now and good thing about leading I really wanted the rating of the movie 10/10 however I still not satisfied since there is a lot question available in this story I feel annoying with some character because there is small mistake run the ritual for me it is very interesting horror story but need a season 2 to get an answer about everything that's actually happened about the bad rating that people gave to this movie assume this is Southeast Asia and good culture commitment and low budget rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एदोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ it look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie realistic horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I
आई वॉज वॉचिंग दिस सेंसा ऑफ द अमेजिंग मूवी एट ऑल आई ऑल्सो सीन फाई मूवी लाइक सटर आई लव द वर्ल्ड दिस मूवी आर अमेजिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी थैंक यू ऑफ द रियली एंड नो वर्ड्स फॉर ए सच स्पेक्टकुलर मूवी वन ऑफ माई बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी सीन आई लव इट सो मच लॉट्स ऑफ मूवी फ्रॉम इंडिया आई वॉच दिस मूवी इज एट नून माई हार्ट बेस्ट सो बेस्ट इज नाइट मैर इट इज ग्रेट मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल दिस रियली डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड ग्रेट मूवी इट गिवज ऑल द ऑडियंस ऑफ द सीन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिगार्डिंग गोस्ट कल्चर पोजिशन थिंक लाइक दैट रियली एन्जॉय इट गुड एक्सप्लेन इज नाइट मैर एट फर्स्ट एन्जॉय बट फॉर द मिडिल ओ टू द लास्ट आई कैन नॉट ओपनिंग ग्रेट हॉरर मूवी एंड वन दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन शॉर्ट इज द थाईलैंड वर्जन ऑफ द एक्सोरसिस्ट बट द बिट आई एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 मिनट्स वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 मिनट्स वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 आवर इज द गुड थिंक अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी The cameraman can die for this good okay this ceremony I found is really and good thing this is film that seems eternal it is nothing interesting and seems no and we scry nothing happen documentary continuity of the oh my god socks this movie going so good in my opinion but when the zombie part started run everything like 35 minutes and good thing about and thriller movie suspense of goosebumps and good I really love it ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फिल्म इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माय हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिक फॉर दिस मूवी साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पून मित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दिस हॉरर मूवी दैट इज misunderstood by most of this movie genius but well no dubbed and culture flowing over the years the people who give a one star review either have escape expression for horror movie for have complete missed the good what make this movie great and depiction of medium and spirit overall a fine while of well worth the watch bearing come of the definitely and good thing about review on this movie
दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्परेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम सीसीटीवी फुटेज शो एट वन स्टेज ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड सीजीआई टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी एवरी टू बी मेड आई एम ए मैसेज फैन ऑफ हॉरर जनरेशन एंड हैव वॉच एवरी हॉरर मूवी फ्रॉम साउथ कोरियन स्पेनिश एंड हॉलीवुड ऑफ टू जापान्स होम ऑफ द एक्सीलेंट हॉरर मूवी आई रिकमांडेड एयर ऑटो स्पाई वो जैन डो एंड गुड थिंक अबाउट अनदर लेवल द लीड एक्टर हु प्ले दिस पोजीशन एंड स्प्रिट शुड हैव वन ऑस्कर फॉर द एक्टिंग परफॉर्मेंस बट ऑल द एक्टर इन दिस मूवी आर अमेजिंग इफ ए साउथ कोरियन मूवी लाइक पेरासाइट कैन विन ऑस्कर दैन दिस मूवी नीड्स टू बी हैंडल ऑल द अवार्ड देयर एंड गुड And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it cry and then op the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big फिर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथरन एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good think the most horror mocked documentary even is the story this and this good think about very fantastic I have every scene and good think about must and good think about wearing generation movie the scenes more realistic and good think about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismail culture belief of my heritage I was under the impressive and the real life documentary been watching horror film of this side now and good think about leading I really wanted the rating of the movie 10/10 however I still not satisfied since there is a lot question available in this story I feel annoying with some character because there is small mistake run the ritual for me it is very interesting horror story but need a season 2 to get an answer about everything at actually happened about the bad rating that people gave to this movie assume this is Southeast Asia and good culture commitment and low budget rating aside for good think about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good think about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the
हनुमान एदोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मैनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ इट लुक रियल लाइफ रो एंड द डायरेक्टर पीपल हु एक्चुअली लाइक प्योर हॉरर स्टोरी जस्ट वॉच इन इट नो एक्स्ट्रा एडिटिंग जस्ट रो वीडियो एंड स्ट्रेंथ स्टोरी लाइन एंड एंडिंग जस्ट मेक सेंस इफ यू आर प्रो अपोर्ट द डायरेक्टर एक्चुअली पॉसिबिलिटी एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी इट नाइटमेयर इट गुड क्रेचर मस्ट वॉच दिस मूवी रिलेटिक मोरर मूवी इन थियर द गोस्ट वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल द स्टोरी टेलिंग द कैमरा वर्क इज फैंटेस्टिक वैन आई वॉज वॉचिंग दिस सेंसा ऑफ द अमेजिंग मूवी एट ऑल आई ऑल्सो सीन फाई मूवी लाइक सटर आई लव द वर्ल्ड दिस मूवी आर अमेजिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी थैंक यू ऑफ द रियली एंड नो वर्ड्स फॉर ए सच स्पेक्टकुलर मूवी वन ऑफ माई बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी सीन आई लव इट सो मच लॉट्स ऑफ मूवी फ्रॉम इंडिया आई वॉच दिस मूवी इज एट नून माई हार्ट बेस्ट सो बेस्ट इज नाइट मैर इट इज़ ग्रेट मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल दिस रियली डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड ग्रेट मूवी इट गिवज ऑल द ऑडियंस ऑफ द सीन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिगार्डिंग गोस्ट कल्चर पोजिशन थिंक लाइक दैट रियली एन्जॉय इट गुड एक्सप्लेन इज नाइट मैर एट फर्स्ट एन्जॉय बट फॉर द मिडिल ओ टू द लास्ट आई कैन नॉट ओपनिंग ग्रेट हॉरर मूवी एंड वन दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन शॉर्ट इज द थाईलैंड वर्जन ऑफ द एक्सोरसिस्ट बट द बिट आई एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 minutes वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 minutes वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 hours इज द गुड थिंक अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी द कैमरा मैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैमरामनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंक दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग हैपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 minutes एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव इट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फीलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माय हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिंग फॉर दिस मूवी साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टिक की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 hours 11 minutes तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 hours 11 minutes तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी।
अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रही हुए हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्परेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was an do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handle all the award there and wouldn't And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lone some and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it scary and then op the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big फर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रो ट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव्यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good thing the most horror mocked documentary even is the story this and this good thing about very fantastic I have every scene and good thing about must and good thing about very generation movie the scenes more realistic and good thing about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismail culture belief of my
माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी सैड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie realistic horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have ever watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I watch this movie is at noon my heart best so best is Nightmare It is great movie. I have every watchable this really disappointment and good great movie. It gives all the audience of the scene Southeast Asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed in short is the Thailand version of the Exorcist but the bit I expected much more from the movie the first 30 minutes very fine we learn other people believe kind of documentary the next 30 minutes very boring the respect especially the ending turning about and camera work cameraman always save this movie had be confused because of the good sincere depression of different vibe and Thailand the horror movie I knew watchable this good 2.5 hour is the good thing about if you are fan of found footage movie like grave encounters of Gojiam Hunted Aslam of type of the good great documentary atmosphere a solid storyline be available acting but and the normal in the horror suspense generation nearing the resolution this is very good movie The cameraman can die for this good okay this ceremony I found is really and good thing this is film that seems eternal it is nothing interesting and seems no and we cry nothing happen documentary continuity of the oh my god socks this movie going so good in my opinion but when the zombie part started run everything like 35 minutes and good thing about and thriller movie suspense of goosebumps and good I really love it great horror movie there of the very disappointment very worst movie I watchable this movie is zombie like feeling in the ending part of the good thing about very the wearing of I have my hobby to watch and ghost this end movie and this of realistic for this movie
साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियो रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंप्रोबेटम एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपिटिशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी एवरी टू बी मेड आई एम ए मैसेज फैन ऑफ हॉरर जनरेशन एंड हैव वॉच एवरी हॉरर मूवी फ्रॉम साउथ कोरियन स्पेनिश एंड हॉलीवुड ऑफ टू जापान्स होम ऑफ द एक्सीलेंट हॉरर मूवी आई रिकमांडेड एयर ऑटो स्पाई वो जैन डो एंड गुड थिंक अबाउट अनदर लेवल द लीड एक्टर हु प्ले दिस पोजीशन एंड स्प्रिट शुड हैव वॉन ऑस्कर फॉर द एक्टिंग परफॉर्मेंस बट ऑल द एक्टर इन दिस मूवी आर अमेजिंग इफ ए साउथ कोरियन मूवी लाइक पेरासाइट कैन विन ऑस्कर दैन दिस मूवी नीड्स टू बी हैंडल ऑल द अवार्ड देयर एंड गुड And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it cry and then op the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big फिर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द
करमा ऑफ द योर एनसू ऑफ अवे समिग्सिंग दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन एयर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मोम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोक डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द इस्माइल कल्चर बिलीफ ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी सैड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मेनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have ever watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every seen I love it so much lots of movie from India I was this movie is at noon my heart best so best is Nightmare It is great movie. I have every watchable this really disappointment and good great movie. It gives all the audience of the scene Southeast Asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it. Good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed. In short is the Thailand version of the Exorcist but the bit I expected much more. From the movie the first 30 minutes very fine we learn other people believe kind of documentary the next 30 minutes very boring the respect especially the ending turning about and camera work cameraman always save this movie had be confused because of the good sincere depression of different vibe and Thailand the horror movie I knew watchable this good 2.5 hour is the good thing about if you are fan of found footage movie like grave encounters of Gojiam Hunted Aslam of type of the good great documentary atmosphere a solid storyline be available acting but and the normal in the horror suspense generation nearing the resolution this is very good movie
द कैमरामैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैमरामनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंग दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग एपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 minutes एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव इट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फीलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माय हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिक फॉर दिस मूवी। साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिस अंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेज ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंप्रोबेटम एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपिटिशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was an do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handled all the award there and good in And this race, in my opinion, overall of the movie is good and the main character very well, well show, especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition, the camera angle, light and color and mood of the picture are very well done, the lighting of colors create a very atmosphere, especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry, but there is too much
ब्लडी सीन्स लाइक इट आउट ऑफ आइडिया टू मैक इट स्क्राई एंड देन ऑफ द एड टू ब्लड फॉर ड्यूज हु एंड गुड आफ्री टू ब्लड एंड गेस्ट ऑफ द गुड आई डोंट रिकमांडेड टू वॉच अलोंग दिस गुड राइट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी कैमरा एंजल एंड सम स्टोरी आर नॉट मच मैक सीन्स ऑफ अंडरस्टेबल बट दैट डिड नॉट ग्रेड वेल एंड गुड थिंक स्टोरी ऑफ दिस मूवी नॉट एंड एवरी थिंक अबाउट सो दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिक ए नेशनल हॉरर मूवी इज जस्ट ए बिग बफर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरी थिंग प्रो ट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट ड्यूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड करमा स्पेशली द करमा ऑफ द योर एनसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टूक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव्यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मोम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोक डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इज इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द स्माइलर कल्चर बिलीफ ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी साइड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie awesome movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मेनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीप It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I watch this movie is at noon my heart best so best is Nightmare it's
इट इज़ ग्रेट मूवी, आई हैव एवरी वॉचेबल, दिस रियली डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड ग्रेट मूवी, इट गिव्स ऑल द ऑडियंस ऑफ द सीन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिगार्डिंग घोस्ट कल्चर पोजिशन थिंक लाइक दैट रियली एन्जॉय इट गुड एक्सप्लेन इज नाइटमेयर एट फर्स्ट एन्जॉय बट फॉर द मिडिल ओ टू द लास्ट आई कैन नॉट ओपनिंग ग्रेट हॉरर मूवी एंड वन दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन शॉर्ट इज द थाईलैंड वर्जन ऑफ द एक्सोरसिस्ट बट द बिट आई एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 minutes वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 minutes वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 hour इज द गुड थिंक अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी द कैमरा मैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैरमनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंक दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग एपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 minutes एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलियर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव इट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज जोम्बी लाइक फिलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माई होबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिक फॉर दिस मूवी साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दिस हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी
एवरी टू बी मैड आई एम ए मैसेज फैन ऑफ हॉरर जनरेशन एंड हैव वॉच एवरी हॉरर मूवी फ्रॉम साउथ कोरियन स्पेनिश एंड हॉलीवुड ऑफ टू जापान्स होम ऑफ द एक्सीलेंट हॉरर मूवी आई रिकमांडेड एयर ऑटो स्पाई वो जैन डो एंड गुड थिंक अबाउट अनदर लेवल द लीड एक्टर हु प्ले दिस पोजिशन एंड स्प्रिट शुड हैव वॉन ऑस्कर फॉर द एक्टिंग परफॉर्मेंस बट ऑल द एक्टर इन दिस मूवी आर अमेजिंग इफ ए साउथ कोरियन मूवी लाइक पेरासाइट कैन विन ऑस्कर दैन दिस मूवी नीड्स टू बी हैंडल ऑल द अवार्ड देयर एंड गुड And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it scry and then op the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style fictional horror movie is just a big फिर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द कर्मा ऑफ द योर एनसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथरन एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good think the most horror mocked documentary even is the story this and this good think about very fantastic I have every scene and good think about must and good think about wearing generation movie the scenes more realistic and good think about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismailal culture belief of my heritage I was under the impression and the real life documentary been watching horror film of this side now and good thing about leading I really wanted the rating of the movie 10/10 however I still not satisfied since there is a lot question available in this story I feel annoying with some character because there is small mistake run the ritual for me it is very interesting horror story but need a season 2 to get an answer about everything at actually happened about the bad rating that people gave to this movie assume this is Southeast Asia and good culture commitment and low budget rating aside for good think about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good think about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलेट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ
इट लुक रियल लाइफ रो एंड द डायरेक्टर पीपल हु एक्चुअली लाइक प्योर हॉरर स्टोरी जस्ट वॉच इन इट नो एक्स्ट्रा एडिटिंग जस्ट रो वीडियो एंड स्ट्रेंथ स्टोरी लाइन एंड एंडिंग जस्ट मेक इन सेंस इफ यू आर प्रो अपोर्ट द डायरेक्टर एक्चुअली पॉसिबिलिटी एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी इट्स नाइटमेयर इट गुड क्रेचर मस्ट वॉच दिस मूवी रिलेटिक मोरर मूवी इन थियर द गोस्ट वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल द स्टोरी टेलिंग द कैमरा वर्क इज फैंटेस्टिक व्हेन आई वॉज वॉचिंग दिस सेंसा ऑफ द अमेजिंग मूवी एट ऑल आई ऑल्सो सीन फाउदाई मूवी लाइक सटर आई लव द वर्ल्ड दिस मूवी आर अमेजिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी थैंक यू ऑफ द रियली एंड नो वर्ड्स फॉर ए सच स्पेक्टकुलर मूवी वन ऑफ माई बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी सीन आई लव इट सो मच लॉट्स ऑफ मूवी फ्रॉम इंडिया आई वॉच दिस मूवी इज एट नून माई हार्ट बेस्ट सो बेस्ट इज नाइट मेयर इट इज़ ग्रेट मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल दिस रियली डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड ग्रेट मूवी इट गिवज ऑल द ऑडियंस ऑफ द सीन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिगार्डिंग गोस्ट कल्चर पोजिशन थिंक लाइक दैट रियली एन्जॉय इट गुड एक्सप्लेन इज नाइट मेयर एट फर्स्ट एन्जॉय बट फॉर द मिडिल ओ टू द लास्ट आई कैन नॉट ओपनिंग ग्रेट हॉरर मूवी एंड वन दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन शॉर्ट इज द थाईलैंड वर्जन ऑफ द एक्सोरसिस्ट बट द बिट आई एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 minutes वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपुल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 minutes वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एंड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 hours इज द गुड थिंक अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी द कैमरा मैन कैन डाई होर दिस गुड ओके दिस कैमरामनी आई फाउंड इज रियली एंड गुड थिंक दिस इज फिल्म दैट सिम्स इटरनल इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड सीन्स नो एंड वी स्क्राई नथिंग हैपन डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यूटी ऑफ द ओ माई गॉड सॉक्स दिस मूवी गोइंग सो गुड इन माई ओपिनियन बट वैन द जोम्बी पार्ट स्टार्टेड रन एवरीथिंग लाइक 35 minutes एंड गुड थिंक अबाउट एंड थ्रिलर मूवी सस्पेंस ऑफ गोस बम्स एंड गुड आई रियली लव इट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फीलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माय हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिंग फॉर दिस मूवी साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टिक की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 hours 11 minutes तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 hours 11 minutes तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 out of 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 lakh था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट
दिस मूवी ऑप दिस गुड थिंग अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिक्शन ऑफ मीडियम एंड स्पिरिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंग अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी This film is incident at best and good worst moments totally incomparable of the good obviously the film had a small budget because there is an good amount of home CCTV footage show at one state of the process girl making and good thing about there are no decent special effect even bad CGI to comprobate and good face and good thing about arming up of the camera competition and good performance the best horror movie every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was and do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handled all the award there and wouldn't And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it scary and then of the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big buffer of the horror loving people the story have everything pro trapeze position scenes for the thriller suspense moment I would recommend it those who like experiment movie and always have approachment for better horror movie the cinematic is done so perfectly that you will give up the real documentary this movie is not for the faint a heart it take the emotional toll on you we cannot handle survey of this good it folks and karma especially the karma of the your and so of awesome this movie of one of the best that description the summon world so far most south Korean asia summon air like the cute retable especially how the position took palace and how that ritual work around the storyline most you don't and good think about and receivable plus the moment since past about this movie when the daughter is behind the darkness undertaken the star the best part is when the daughter cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good think the most horror more documentary even is the story this and this good think about very fantastic I have every scene and good think about must and good think about very generation movie the scenes more realistic and good think about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismailal culture belief of my heritage I was under the impression and the real life documentary been watching horror film of this side now and good think about leading I really wanted the rating of the movie 10/10 however I still not satisfied since there is a lot question available in this story I feel annoying with some character because there is small mistake run the ritual for me it is very interesting horror story but need a season 2 to get an answer about everything that's actually happened about the bad rating that people gave to this movie assume this is Southeast Asia and good culture commitment and low budget
रेटिंग ए साइड फॉर गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव एन एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज अमेजिंग इट कैन बी क्यूट ट्रैफिक इट मेक यू थिंक वन थिंग हैपनिंग बट देन मेक यू थिंक अनोदर थिंग्स हैपनिंग इट मैसेज विथ योर माइंड एंड वेरी वेल मेड लिटरेचर ऑफ द गुड अबाउट दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट विच डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस मूवी ऑब्वियस मूवी हाउ एवर इट स्लोली मेड इट टुक ए लाइक ए जोम्बी मूवी द पोजिशन बैटिंग टू फेल हनुमान एदोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीप It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie realistic horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen Phadai movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I watch this movie is at noon my heart best so best is Nightmare It is great movie. I have every watchable. This really disappointment and good great movie. It gives all the audience of the scene Southeast Asian culture regarding ghost culture position. Think like that. Really enjoy it. Good explain is nightmare at first. Enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed. In short is the Thailand version of the Exorcist but the bit I expected much from the movie the first 30 minutes very fine we learn other people believe kind of documentary the next 30 minutes very boring the respect especially the ending turning about and camera work cameraman always said this movie had be confused because of the good sincere depression of different vibe and Thailand the horror movie I knew watchable this good 2.5 hour is the good thing about if you are fan of found footage movie like Grave Encounters of Gojiam Hunted Aslam of type of the good great documentary atmosphere a solid storyline be available acting but and the normal in the horror suspense generation nearing the resolution this is very good movie The cameraman can die horror this good okay this ceremony I found is really and good thing this is film that seems eternal it is nothing interesting and since no and we cry nothing happen documentary continuity of the oh my god socks this movie going so good in my opinion but when the zombie part started run everything like 35 minutes and good thing about and thriller movie suspense of goosebumps and good I really love it great horror movie dire of the very disappointment very worst movie I watchable this movie is zombie like feeling in the ending part of the good thing about very the wearing of I have my hobby to watch and ghost this end movie and this op realistic for this movie साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पून मित कद्दी के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस
फैंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्परेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean, Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was an do and good think about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can win Oscar then this movie needs to be handle all the award there and wouldn't And this raise in my opinion overall of the movie is good and the main character very well well show especially main character that make me really empathetic of the across of the character is addition the camera angle light and color and mood of the picture are very well done the lighting of colors create a very atmosphere especially disaster forest film and shadow of the factory scenes that I am felt really lonesome and cry but there is too much bloody scenes like it out of idea to make it cry and then op the add to blood for those who and good afraid to blood and guest of the good I don't recommend it to watch along this good right and good think about very camera angle and some story are not much max scenes of understandable but that did not grade well and good think story of this movie not and everything about so this documentary style pick a national horror movie is just a big फर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट यू विल गिव अप द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ द रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट रिव्यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर
क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मॉम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोके डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरिंग जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द इस्माइल कल्चर बिलीफ ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी साइड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम करेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपेंड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपल गेव टू दिस मूवी अस्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie always a movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एडोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have ever watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen the movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every seen I love it so much lots of movie from India I was this movie is at noon my heart best so best is Nightmare It is great movie. I have every watchable this really disappointment and good great movie. It gives all the audience of the scene Southeast Asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed in short is the Thailand version of the Exorcist but the bit I expected much more from the movie the first 30 minutes very fine we learn other people believe kind of documentary the next 30 minutes very boring the respect especially the ending turning about and camera work cameraman always say this movie had be confused because of the good sincere depression of different vibe and Thailand the horror movie I knew watchable this good 2.5 hour is the good thing about if you are fan of found footage movie like grave encounters of Gojiam Hunted Aslam of type of the good great documentary atmosphere a solid storyline be available acting but and the normal in the horror suspense generation nearing the resolution this is very good movie The cameraman can die for this good okay this ceremony I found is really and good thing this is film that seems eternal it is nothing interesting and seems no and we cry nothing happen documentary continuity of the oh my god socks this movie going so good in my opinion but when the zombie part started run everything like 35 minutes and good thing about and three layer movie suspense of goosebumps and good I really love it
हिट ग्रेट हॉरर मूवी दायर ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटमेंट वेरी वर्स्ट मूवी आई वॉचेबल दिस मूवी इज ज़ॉम्बी लाइक फीलिंग इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी द वेरी ऑफ आई हैव माई हॉबी टू वॉच एंड गोस्ट दिस एंड मूवी एंड दिस ऑफ रिलेटिक फॉर दिस मूवी। साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पुनमित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो ड्यूब्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेज ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंप्रोबेटम एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपिटिशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी एवरी टू बी मैड आई एम ए मैसेज फैन ऑफ हॉरर जनरेशन एंड हैव वॉच एवरी हॉरर मूवी फ्रॉम साउथ कोरियन स्पेनिश एंड हॉलीवुड ऑफ टू जापान होम ऑफ द एक्सीलेंट हॉरर मूवी आई रिकमांडेड एयर ऑटो स्पाई वो जैन डो एंड गुड थिंक अबाउट अनदर लेवल द लीड एक्टर हु प्ले दिस पोजीशन एंड स्प्रिट शुड हैव वॉन ऑस्कर फॉर द एक्टिंग परफॉर्मेंस बट ऑल द एक्टर इन दिस मूवी आर अमेजिंग इफ ए साउथ कोरियन मूवी लाइक पेरासाइट can win Oscar then this movie needs to be handle all the award there and gooden एंड दिस रेज इन माई ओपिनियन ओवरऑल ऑफ द मूवी इज़ गुड एंड द मैन करैक्टर वेरी वेल वेल शो स्पेशली मिंग करैक्टर दैट मेक मी रियली एथेम्पटिक ऑफ द एक्रॉस ऑफ द करैक्टर इज एडिशन द कैमरा एंजल लाइट एंड कलर एंड मूड ऑफ द पिक्चर आर वेरी वेल डन द लाइटिंग ऑफ कलर्स क्रिएट ए वेरी एटोस्पियर स्पेशली डिजास्टर फॉरेस्ट फिल्म एंड बेडो ऑफ द फैक्ट्री सीन्स दैट आई एम फेल्ट रियली लोन सम एंड स्क्राई बट देर इज टू मच ब्लडी सीन्स लाइक इट आउट ऑफ आइडिया टू मैक इट स्क्राई एंड देन ऑफ द एड टू ब्लड फॉर दूज हु एंड गुड आफ्री टू ब्लड एंड गेस्ट ऑफ द गुड आई डोंट रिकमांडेड टू वॉच अलोंग दिस गुड राइट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी कैमरा एंजल एंड सम स्टोरी आर नॉट मच मैक सीन्स ऑफ अंडरस्टेबल बट दैट डिड नॉट ग्रेड वेल एंड गुड थिंक स्टोरी ऑफ दिस मूवी नॉट एंड एवरी थिंक अबाउट सो दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिक ए नेशनल हॉरर मूवी इज जस्ट ए बिग
फेयर ऑफ द हॉरर लविंग पीपुल द स्टोरी हैव एवरीथिंग प्रोट्रेपाई पोजिशन सीन्स फॉर द थ्रिलियर सस्पेंस मूवमेंट आई वुड रिकमांडेड इट दूज हु लाइक एक्सपेरिमेंट मूवी एंड ऑलवेज हैव अप्रोचमेंट फॉर बेटर हॉरर मूवी द सिनेमाटिक इज डन सो परफेक्टली दैट विल गिव ऑफ द रियल डॉक्यूमेंट्री दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ए हार्ट इट टेक द इमोशनल टोल ऑन यू वी कैन नॉट हैंडल सर्वे ऑफ दिस गुड इट फोक्स एंड कर्मा स्पेशली द कर्मा ऑफ द योर एंसू ऑफ अवेसम दिस मूवी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन द समन वर्ल्ड सो फार मोस्ट साउथर्न एशिया समन आर लाइक द क्यूट रिटेबल स्पेशली हाउ द पोजिशन टुक पैलेस एंड हाउ दैट रिटूअल वर्क अराउंड द स्टोरी लाइन मोस्ट यू डोंट एंड गुड थिंक अबाउट एंड रिसेबल प्लस द मोमेंट सीन्स पास्ट अबाउट दिस मूवी वैन द डॉटर इज बी एंड द डार्कनेस अंडरटेकन द स्टार द बेस्ट पार्ट इज वैन द डॉटर क्राइड लाइक द लिटिल बेबी टू ट्रिक एंड मोम इज ऑर्डर टू ब्रेक द रिचुअल एंड गुड थिंक द मोस्ट हॉरर मोके डॉक्यूमेंट्री इवन इज द स्टोरी दिस एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट मस्ट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी जनरेशन मूवी द सीन्स मोर रिलेटिक एंड गुड थिंक अबाउट आई जस्ट फिनिश्ड द होल मूवी एंड थॉट दिस वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी इज इन थाईलैंड ड्यू टू सम ऑफ द स्माइलर कल्चर बिलीप ऑफ माई हेरिटेज आई वॉज अंडर द इम्प्रेसिव एंड द रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बीन वॉचिंग हॉरर फिल्म ऑफ डी सैड नाउ एंड गुड थिंक अबाउट लीडिंग आई रियली वॉन्टेड द रेटिंग ऑफ द मूवी 10/10 हाउ एवर आई स्टिल नॉट सटिस्फाइड सिंस देर इज ए लॉट क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस स्टोरी आई फील एनोइंग विथ सम कैरेक्टर बिकॉज देर इज स्मॉल मिस्टेक रन द रिचुअल फॉर मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बट नीड सीजन टू टू गेट एन आंसर अबाउट एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली हैपनड अबाउट द बैड रेटिंग दैट पीपुल गैव टू दिस मूवी एश्यूम दिस साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड कल्चर कमेंटमेंट एंड लो बजट Rating aside for good thing about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good thing about which did not expected this movie awesome movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एदोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ It look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good thing about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie related horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when I was watching this sense of the amazing movie at all I also seen thai movie like Shutter I love the world this movie are amazing and waiting for next part of the movie thank you of the really and no words for a such a spectacular movie one of my best horror movie I have every scene I love it so much lots of movie from India I was this movie is at noon my heart best so best is Nightmare it is great movie I have every watchable this really disappointment and good great movie it gives all the audience of the scene southeast asian culture regarding ghost culture position think like that really enjoy it good explain is nightmare at first enjoy but for the middle or to the last I cannot opening great horror movie and one that should not be missed in short is the thailand version of the exorcist but the bit I expected much
फ्रॉम द मूवी द फर्स्ट 30 मिनट्स वेरी फाइन वी लर्न अदर पीपल बिलीव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट 30 मिनट्स वेरी बोरिंग द रेस्पेक्ट स्पेशली द एंडिंग टर्निंग अबाउट एंड कैमरा वर्क कैमरामैन ऑलवेज सेव दिस मूवी एड बी कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द गुड सीनसियर डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइब एंड थाईलैंड द हॉरर मूवी आई न्यू वॉचेबल दिस गुड 2.5 आवर इज द गुड थिंग अबाउट इफ यू आर फैन ऑफ फाउंड फुटेज मूवी लाइक ग्रेवे इनकाउंटर्स ऑफ गोजियम हंटेड असलम ऑफ टाइप ऑफ द गुड ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एटोस्फियर ए सॉलिड स्टोरी लाइन बी अवेलेबल एक्टिंग बट एंड द नॉर्मल इन द हॉरर सस्पेंस जनरेशन नीरिंग द रिजोल्यूशन दिस इज वेरी गुड मूवी The cameraman can die for this good. Okay, this ceremony I found is really and good thing. This is film that seems eternal. It is nothing interesting and since no and we scry nothing happen. Documentary continuity of the oh my god socks. This movie going so good in my opinion. But when the zombie part started run everything like 35 minutes and good thing about and thriller movie suspense of goosebumps and good. I really love it. Great horror movie there of the very disappointment very worst movie I watchable this movie is zombie like feeling in the ending part of the good thing about very the wearing of I have my hobby to watch and ghost this end movie and this op relating for this movie साल 2021 में रिलीज हुई द मीडियम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी पून मित कद्दी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द मीडियम मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और फैंटेस्टी की कैटेगरी की फिल्म जो कि द मीडियम मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 11 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 11 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.5 है और इस द मीडियम मूवी की रिलीज डेट 14 जुलाई 2021 को साउथ कोरिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर बैंग जोग ओग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $72.3 लाख था। और अब बात करते हैं द मीडियम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड लाइक ऑफ दिस रियल लाइफ एंड गुड थिंक अबाउट दिस मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ दूज हॉरर मूवी दैट इज मिसअंडरस्टूड बाई मोस्ट ऑफ दिस मूवी जीनियस बट वेल नो डिप्ड एंड कल्चर फ्लोइंग ओवर द ईयर्स द पीपल हु गिव ए वन स्टार रिव्यू इधर हैव इसके एक्सप्रेशन फॉर हॉरर मूवी फॉर हैव कंप्लीट मिस्ड द गुड वाट मैक दिस मूवी ग्रेट एंड डिपिटेशन ऑफ मीडियम एंड स्प्रिट ओवरऑल ए फाइन वाइल ऑफ वेल वर्थ द वॉच बेरिंग कम ऑफ द डेफिनेटली एंड गुड थिंक अबाउट रिव्यू ऑन दिस मूवी दिस फिल्म इज इंसिडेंट एट बेस्ट एंड गुड वर्स्ट मूवमेंट्स टोटली इनकम्प्रीबेटेबल ऑफ द गुड ऑब्वियसन द फिल्म हैड ए स्मॉल बजट बिकॉज देर इज एन गुड अमाउंट ऑफ होम CCTV फुटेज शो एट वन स्टेट ऑफ द प्रोसेस गर्ल मेकिंग एंड गुड थिंक अबाउट देर आर नो डिसेंट स्पेशल इफेक्ट इवन बैड CGI टू कंफर्टेबल एंड गुड फेस एंड गुड थिंक अबाउट आर्मिंग अप ऑफ द कैमरा कंपटीशन एंड गुड परफॉर्मेंस द बेस्ट हॉरर मूवी Every to be mad I am a message fan of horror generation and have watched every horror movie from South Korean Spanish and Hollywood up to Japan's home of the excellent horror movie I recommended air auto spy was and do and good thing about another level the lead actor who play this position and spirit should have won Oscar for the acting performance but all the actor in this movie are amazing if a South Korean movie like Parasite can
विन ऑस्कर दैन दिस मूवी नीड्स टू बी हैंडल ऑल द अवार्ड देयर एंड गुड एंड दिस रेज इन माई ओपिनियन ओवरऑल ऑफ द मूवी इज़ गुड एंड द मैन करैक्टर वेरी वेल वेल शो स्पेशली मिंग करैक्टर दैट मेक मी रियली एथेम्पटिक ऑफ द एक्रॉस ऑफ द करैक्टर इज एडिशन द कैमरा एंजल लाइट एंड कलर एंड मूड ऑफ द पिक्चर आर वेरी वेल डन द लाइटिंग ऑफ कलर्स क्रिएट ए वेरी एटोस्फियर स्पेशली डिजास्टर फॉरेस्ट फिल्म एंड एडो ऑफ द फैक्ट्री सीन्स दैट आई एम फेल्ट रियली लोन सम एंड इज क्राई बट देर इज टू मच बलडी सीन्स लाइक इट आउट ऑफ आइडिया टू मैक इट स्क्राई एंड दैन ऑफ द एड टू ब्लड फॉर ड्यूज हु एंड गुड आफ्री टू ब्लड एंड गेस्ट ऑफ द गुड आई डोंट रिकमांडेड टू वॉच अलोंग दिस गुड राइट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी कैमरा एंजल एंड सम स्टोरी आर नॉट मच मैक सीन्स ऑफ अंडरस्टेबल बट दैट डिड नॉट ग्रेड वेल एंड गुड थिंक स्टोरी ऑफ दिस मूवी नॉट एंड एवरी थिंक अबाउट सो दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिकेनेशनल हॉरर मूवी इज जस्ट ए बिग buffer of the horror loving people the story have everything pro trapeze position scenes for the thriller suspense movement I would recommend it those who like experiment movie and always have approachment for better horror movie the cinematic is done so perfectly that you will give up the real documentary this movie is not for the faint a heart it take the emotional toll on you we cannot handle survey of this good it folks and karma especially the karma of the your and so of awesome this movie of one of the best that description the summon world so far most southern asia summon are like the cute retable especially how the position took palace and how that ritual work around the storyline most you don't and good think about and reasonable plus the moment since past about this movie when the daughter is behind the darkness undertaken the star the best part is when the daughter cried like the little baby to trick and mom is ordered to break the ritual and good think the most horror more documentary even is the story this and this good think about very fantastic I have every scene and good think about must and good think about wearing generation movie the scenes more realistic and good think about I just finished the whole movie and thought this was based on the true story is in Thailand due to some of the Ismailal culture belief of my heritage I was under the impression and the real life documentary been watching horror film of this side now and good think about leading I really wanted the rating of the movie 10/10 however I still not satisfied since there is a lot question available in this story I feel annoying with some character because there is small mistake run the ritual for me it is very interesting horror story but need a season 2 to get an answer about everything that's actually happened about the bad rating that people gave to this movie assume this is Southeast Asia and good culture commitment and low budget rating aside for good think about very intelligent I have an excellent documentary this movie is amazing it can be cute terrific it make you think one thing happening but then make you think another things happening it messes with your mind and very well made literature of the good about this movie and good think about which did not expected this movie awesome movie however it slowly made it took a like a zombie movie the position betting to fail of the अनुमान एदोर ऑफ द गुड सो थिंक अबाउट नो आई वाज काइंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एशियन मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड द गिव यू द चिल डाउन द स्पेन मस्ट वॉच ड्यूरिंग एंड गुड दिस मूवी इज नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट बट इज ग्रिपिंग द सो मनी मोरी वेज दैट एक्सपेक्टेड दिस मूवी टेक एवरी कंफर्ट वी होल्ड डिलाइटफुल अनकंडीशनल द फिल्म वॉक द व्यू थ्रू आउट द स्टोरी लाइन डॉक्यूमेंट्री वे ऑफ फिल्मिंग इट स्लोली बुलट द फाउंडेशन ऑफ थाई बिलीफ it look real life raw and the director people who actually like pure horror story just watch in it no extra editing just raw video and strength storyline and ending just make sense if you are pro about the director actually possibility and good think about this movie it's a nightmare it good creature must watch this movie realistic horror movie in theater the ghost one of the best horror movie I have every watchable the story telling the camera work is fantastic when
आई वॉज वॉचिंग दिस सेंसा ऑफ द अमेजिंग मूवी एट ऑल आई ऑल्सो सीन फाउ फाई मूवी लाइक सटर आई लव द वर्ल्ड दिस मूवी आर अमेजिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी थैंक यू ऑफ द रियली एंड नो वर्ड्स फॉर ए सच स्पेक्टकुलर मूवी वन ऑफ माई बेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवरी सीन आई लव इट सो मच लॉट्स ऑफ मूवी फ्रॉम इंडिया आई वॉच दिस मूवी इज एट नून माई हार्ट बेस्ट सो बेस्ट इज नाइट मेर इट इज़ ग्रेट मूवी आई हैव एवरी वॉचेबल दिस रियली डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड ग्रेट मूवी इट गिवज ऑल द ऑडियंस ऑफ द सीन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिगार्डिंग गोस्ट कल्चर पोजिशन थिंक लाइक दैट रियली एन्जॉय इट गुड एक्सप्लेन इज नाइट मेर एट फर्स्ट एन्जॉय बट फॉर द मिडिल ओ टू द लास्ट आई कैन नॉट ओपनिंग ग्रेट हॉरर मूवी एंड वन दैट शुड नॉट बी मिस्ड इन शॉर्ट इज द थाईलैंड वर्जन ऑफ द एक्सोरसिस्ट बट द बीट आई